नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं टेक पर। एक दुखद समाचार, संतूर वादक अनिश्चित कुमार शर्मा जी जो है वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। मुंबई में जो है उनका देहांत हुआ है। जम्मू में जो उनका पुश्तैनी घर है वहाँ पे मैं हूँ, और ये आप सीधे तौर पे देख रहे हैं कि MR शर्मा जो इनके चाचा जी हैं, जहाँ पे जो है अनिश्चित कुमार शर्मा जी ने अपनी स्टार्टिंग की जो है संतूर की शिक्षा जो है वो यहाँ से हासिल की थी, यहाँ पर रियाज किया करते थे। अभी थोड़ी ही देर में जो है इनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो मुंबई के लिए निकल रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनके पूछते हैं कि कितना बड़ा सदमा जो है अनिश्चित कुमार शर्मा जी की भाभी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कब उनको ये दुखद समाचार जो है वो मिला है। मतलब कब आपको पता चला जी कि पंडित जी आज हमारे बीच जो है वो नहीं रहे हैं? एक भी नहीं, एक बजने वाला था पता चला हमें। मैं टीवी में देखा, टीवी लगाया तो आ रहा था, वो देखा तब पता चला। तो लास्ट टाइम आपकी मुलाकात कब आए थे? बड़ी देर हुई है, जो माता 2 साल हुई है, 2 साल मिलेगा, 2 साल। हाँ, इंया सब कुछ उन्हें जम्मू बड़ा पसंद था। बिन प्रोग्राम जम्मू का नाम लेंदे तो झट आखिर मैं जल्दी भी जम्मू गै जावा, जम्मू बड़ा पसंद था उन्हें। किन्ने देर तक इतने रहे? तो बाद मुंबई चलिए बड़ी देर उत्थे रहे, वो तो बड़े जो पढ़ने ही गए हैं, पढ़ाई उत्थे की उत्थे गए, फिर वो घर आते हैं, घर तो आते हैं। हिंदुस्तान की छड़ी है तो जम्मू कश्मीर के लोगों की काफ़ी लाल जड़ा वो होया उनका जाने करने पड़ा। हाँ, बड़े बड़े अच्छे है वो, हर एक चीज दसते हैं, गलबात बड़ी शैल करते हैं, सब कुछ जिया उनके प्रोग्राम होंगे सारा पता लगता है। सारे कमरे बड़ा कमरा इधर बैठे होंगे इतने घर बच्च, इं इधर भी आते सारे बैठते हैं अपने घर। हाँ, फैमिली के मेम्बर कुछ और भी बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। सर, ये जो समाचार मिला है बहुत ही दुखद समाचार है, पूरे विश्व को जो है वो उनका लॉस जो हुआ है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो पहले से ही पद्मा सचदेवा जी हैं, उन्होंने कुछ दिन महीने पहले जो है उनका देहांत हुआ है। उसके बाद लता मंगेशकर जी का जो है वो देहांत हुआ है। आज इनका जाना जो है वो कितना लॉस जो है? ये वो तो हमारी फैमिली से गए हैं, हमें तो बहुत बड़ा लॉस है। वैसे तो वो विश्व विख्यात थे संतूर में, उन्होंने पद्म विभूषण संतूर को जब उन्होंने जम्मू से लेके गए तो पूरे विश्व में इसको प्रसिद्ध किया। इसके पहले पूरे विश्व में संतूर को कोई जानता नहीं था, इन्होंने ही इसके ऊपर शास्त्रीय संगीत बजाया और इसको पूरी दुनिया पे बुलंदी पे ले गए। उनका जाना दुनिया के लिए तो है, हमारी फैमिली के लिए भी मुझे बहुत बड़ा हमारे ऊपर आघात लगाया। और सुबह जब हमें पता चला, वैसे तो मेरी पिछले काफ़ी दिनों से उनसे बात नहीं हुई थी क्योंकि वो थोड़े ठीक नहीं थे, पर जब सुबह हमें पता चला तो उसके बाद तो सारा परिवार ही हम लोगों के लिए तो ये बहुत बुरी खबर है। और उनका तो भगवान के कार्य में जाकर सब अच्छा होगा, लेकिन जो हम पीछे रह गए उनके लिए काफ़ी बुरी बात है। लास्ट टाइम अगर बात करें तो कब यहाँ पे आए थे, क्या बातचीत हुई थी? वो जब भी जम्मू आते थे तो मेरे सब मैं उनके साथ ही होता था। जब भी उनका प्रोग्राम होता था तो वो ऐसे तो ऐसे अपने सब एक अपने शिगिर्द को लाते थे, लेकिन जब जो जम्मू में आते थे तो वो किसी को नहीं लाते थे, उनके साथ जम्मू में मैं ही मूव करता था। और आज की डेट में वो ज़्यादातर वो हरी पैलेस में ही उनको एक क्योंकि वो जम्मू में आके तभी का व्यू देखना, उनको पुराना अपना जम्मू देखना बड़ा अच्छा लगता था। वो हरी पैलेस में रहना वो बहुत पसंद करते थे, और जब भी वो आते थे और उनको मौका मिलना चाहिए कि जम्मू का कोई प्रोग्राम हो, वो किसी को भी ना नहीं करते थे। कभी उन्होंने पैसों के लिए नहीं देखा, जब भी किसी ने भी बोला हर आदमी के बुलाने पे वो जम्मू आ जाते थे, और जम्मू में वो अपना लोगों को मिलके खुशी होते थे। अभी आपका मुंबई जाना है? अभी निकल रहे हैं क्योंकि आखिरी दर्शन करने उनके, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। बस थोड़ी देर निकलेंगे हम, देखेंगे अभी पहुंचेंगे रात को, तो खाली दर्शन ही कर रहे हैं और क्या हो सकता है। जब भी वो जम्मू में आते थे तो हम उनके प्रोग्राम वगैरह देखने जाते थे, जब भी तो ऐसा लगता था कि हम मतलब फैमिली मेम्बर्स के तौर पे हमें लेके जाते थे अपने साथ, तो हमें यही लगता था कि वहाँ पे सारे ये जानते थे कि ये पंडित जी की फैमिली से हैं। वो तो बहुत देर पहले मुंबई चले गए थे, लेकिन हमें जब जम्मू में आते थे वो ऐसा अपनापन देते थे कि हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो कभी भी हमसे अलग हैं या हमसे दूर रहते हैं।
और मेरे फादर के साथ, मेरे सारे चाचों के साथ इतने अटैच थे, कोई कहने की बात नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान थे और उनके विषय हमारी जम्मू में पहचान है। लोग ये आज तक ये कहते हैं कि ये जम्मू में ये उनकी फैमिली के सारे, ये उन्हीं की फैमिली है। यहाँ पे पूरा भारतवर्ष उन पर फ़ख्र करता था, संतूर के वो मास्टर मैन माने जाते थे। और जैसे ही आज सुबह उनके देहांत का हमने समाचार सुना, पूरे मोहल्लेवासी इस परिवार के साथ बैठे हैं, इनके दुखद के समय इनके साथ खड़े हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो जाएं, यहाँ भी जाएं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि वो ऐसे शख्स थे, जब भी वो जम्मू में आते थे बच्चों की तरह हमें प्यार करते थे। जब उनका प्रोग्राम होता था तो हम उन्हें देखने जाते थे। संतूर को अगर किसी ने विश्व पे अगर किसी ने दर्शाया है तो वो पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं। भगवान उनकी आत्मा को अमर रखे, सदा हम उनको संतूर वादक मास्टर मैन के नाम से जानेंगे। संतूर वादक मास्टर माइंड की नज़रिए से जो है हम उनको देखते हैं। जब भी जम्मू पहुंचते थे, यहाँ पे आके जो है वो हमें प्यार करते थे। जो आया है उसका जाना निश्चित है। जो इस दुनिया में आया है और अपनी छाप जो है वो छोड़ के गया है, लोगों के दिलों में अपना राज करके गया है, उसके साथ साथ अगर बात करें तो लोगों की भलाई के लिए जम्मू से प्यार, लगाव और यहाँ की धरती से, जब भी जहाँ पे आते थे हरि निवास में रहते थे, घर का जरूर चक्कर काटते थे। फिलहाल जी सारे फैमिली मेंबर जो है आज शाम की 7 बजे की फ़्लाइट से जो है वो मुंबई जा रहे हैं और उनकी जो अंतिम दर्शन करने के लिए वहाँ पे जो है अपनी हाजिरी लगाएंगे। टेकमन की तमाम बड़ी अपडेट डिस्टरी प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। शाम सुंदर, टेक वन चम। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।